हेलो, हाउ आर यू? कैसे हो मेरे प्यारे बच्चे? और ठीक ठाक हो बेटा? मैं आज आपको एक नई बात बताऊंगा जो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो टॉपिक को ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा सा ही टॉपिक है जो कि आपको मनपसंद टॉपिक है और आपको अच्छा भी लगेगा अगर इसके बारे में जान जाते हो। तो आप किसी भी प्लांट के फ्लावर्स में जो पार्ट्स होते हैं उनमें डिफरेंस आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये फ्लावर का कौन सा पार्ट्स है और इसका क्या फंक्शन है, और ये इसमें ना प्रेजेंट हो तो इसकी एब्सेंस की वजह से इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ज्यादा नहीं है, ओनली 4 पार्ट्स हैं जो मैं आपको यहां बताना चाहूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा पार्ट्स ऑफ फ्लावर, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो देखो, पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पार्ट्स होता है एंड्रोसियम, एंड्रोसियम। ओके, सेकेंड है हमारा गाइनेसियम, गाय ये नो गाइनोसियम। ओके, थर्ड होता है हमारा कैलेक्स, या फिर कह दो हम इसको पेटल पेटल। और फोर्थ है हमारा सेपा। ओके, तो ये हमारे 4 पार्ट्स हैं, इनकी वजह से ही हमारा फ्लावर तैयार होता है। तो ये 4 पार्ट्स फ्लावर में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं और इनका क्या फंक्शन है, मैं आपको आज थोड़ा डिटेल में बताता हूँ जो आपकी समझ में अच्छी तरीके से बैठ जाए। चीजें समझ में आना बहुत जरूरी है, लर्न करने से कुछ नहीं होता है, अगर चीजें समझ में नहीं आती हैं तो कुछ नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे कि हम एंड्रोसियम क्या है। प्लांट का जो फ्लावर पार्ट्स है उसमें 4 पार्ट्स हैं, एंड्रोसियम की बात करते हैं। एंड्रोसियम हमारा जो प्लांट का मेल पार्ट्स होता है, तो सपोज दैट कुछ इस तरीके से होता है। सपोज दैट हमारा कुछ इस तरीके से होता है एंड्रोसियम। ये एंड्रोसियम हमारे प्लांट का पार्ट्स है और इस पार्ट्स को 2 पार्टों से मिलकर बनाया है, इसको कहते हैं हम एंथर और इसको कहते हैं फिलामेंट। फिलामेंट्स होते हैं इसको कहते हैं, और इसमें छोटे छोटे हमारे ये ग्रेन होते हैं। ये क्या होते हैं? ये ग्रेन होते हैं। क्या होते हैं? पॉलिन ग्रेन। ओके, इन दोनों पार्टों को मिला के हमारा एक नया पार्ट बनता है, इसको बोलते हैं स्टेमेन, स्टेमेन। ओके, ये इसका क्या हो गया, मेल पार्ट्स है फ्लोवर का। और मैं आपको दिखाऊंगा भी कि ये चारों पार्ट कहां पे एडजस्ट होते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका फीमेल, नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, फीमेल पार्ट है। देखो, फीमेल पार्ट्स क्या है, ये है इसका फीमेल पार्ट। ये इसका फीमेल पार्ट है प्लांट के फ्लावर का, और ये हमारा क्या है, 3 पार्ट से मिलकर स्टीमा, स्टाइल और ओवरी। और इस ओवरी के अंदर ये हमारे ओव्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? ओव्यूल्स होते हैं। ओव्यूल क्या है? ये ओव्यूल्स फीमेल पार्ट का जेनेटिक मटेरियल, फीमेल फीमेल पार्ट का जेनेटिक मटेरियल है। जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया था कि उसमें हमारे मेल पार्ट्स में जो जेनेटिक मटेरियल था वो पोलन ग्रेन था, इसमें हमारा ओव्यूल्स है। तो ये ओवरी जो है हमारी,
इसको हम तीनों भाग से जाने तो इसको हम क्या बोलते हैं, फीमेल पार्ट है तो इसको गायनोसियम, गायनोसियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस ओवरी का हमारा ये फंक्शन है और नेस्ट है हमारा इसमें जो कि हमारा पेटल्स है। पेटल्स क्या होते हैं तो देखो थोड़ा सा पेटल्स के बारे में हम बात कर लेंगे। पेटल्स हमारे बेटा कुछ इस तरीके से होते हैं, कुछ हमारे इस तरीके से होते हैं। जो कि किसमें होते हैं, कलर मेट में होते हैं, ये होते हैं पेटल्स। पेटल्स हैं और ये क्या है, कलर मेट होते हैं। क्या होते हैं, कलर मेट, कलर मेट होते हैं। तो इनका फंक्शन क्या कहते हैं कि पॉलिनेशन करने के लिए ये क्या करते हैं, इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। जितने भी हमारे इंसेक्ट बटरफ्लाइज और भी एसेट्रा इंसेक्ट्स होते हैं उनको पॉलिनेशन कंडीशन के लिए अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। नेस्ट है हमारा, नेस्ट क्या है इसमें, नेस्ट पार्ट है बेटा हमारा ये कि सेपल। सेपल कुछ हमारे इस तरीके से होते हैं, सेपल्स कुछ बेटा हमारे इस तरीके से होते हैं। देखो इस तरीके से ग्रीन कलर की लीव्स जो फ्लावर के नीचे से निकली हुई होती हैं वही सेपल्स होती हैं। जो कि इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन होता है कि ओवरी और पेटल्स को साधे रहना, ओवरी और पेटल्स को साधे रहना। तो मैं यहाँ चारों आपको पार्ट्स बना के बताता हूँ जो आपको देखने में थोड़ा अच्छा लगे। देखो फर्स्ट में आपको बनाता हूं ओवरी और ये आपका है ये हो गया आपका एंथर फिलामेंट स्टीमा स्टाइल ओवरी और ये ओव्यूल। ठीक है, और इसके जस्ट ये हो गए आपके यहाँ पे सेपल, सेपल ये क्या हो गए, सेपल्स हो जाते हैं जो कि इसको ये सैंपल और ये हैं आपके, ये आपके हो गए पेटल्स। ये क्या है पेटल्स, जो प्लांट का जेनेटिक मटेरियल्स मेल जेनेटिक मटेरियल्स है उस जेनेटिक मटेरियल्स को हमारा मेल जेनेटिक मटेरियल कहां से रिलीज होता है तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जो मेल जेनेटिक मटेरियल मैंने जस्ट आपको बताया था कि एंथर कुछ हमारा इस तरह का होता है, उसमें हमारे पोलन ग्रेन है। ये पोलन ग्रेन क्या है, जब तीन कंडीशन में क्या है डिस्पर्जन कंडीशन करते हैं, तीन कंडीशन में, एक तो हमारी एयर वाटर और हमारा इंसेक्ट। इंसेक्ट कंटीन कंडीशन में क्या है डिस्पर्जन करते हैं और इस डिस्पर्जन की वजह से ही ये इसका क्या है जेनेटिक मटेरियल, जो मेल जेनेटिक मटेरियल पोलन ग्रेन यहां से होता हुआ और ये स्टिग्मा तक आ जाता है। इस तरीके से स्टिग्मा में आ जाता है और स्टिग्मा की जो आपकी जो लेयर है इससे होता हुआ ये आपका क्या है यहाँ पे आ जाता है पोलन ग्रेन में। तो यहाँ पे इसका क्या होता है फर्टिलाइजेशन होता है, जब यहाँ पे इसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो यहीं से भी क्या है हमारा फ्रूट्स में डेवलप होना स्टार्ट होता है और इस प्रकार से हमारा फ्रूट बन जाता है। ठीक है, अगर ये हमारे जो
फ्लावर होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक तो बाईसेक्सुअल और एक यूनिसेक्सुअल। बाईसेक्सुअल का मतलब ये होता है कि एक ही फ्लावर पे दोनों पार्ट्स होंगे, मेल हमारा एंड्रोसियम और फीमेल हमारा गाइनोसियम। अगर हमारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें मेल कहीं अलग होगा और फीमेल कहीं अलग होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, ये वाली कंडीशन भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्पर्जन वाली, तीन तरीके से होती है, वाटर, एयर एंड इंसेक्ट की वजह से। तो इस वजह से हमारा क्या है, फ्लावर का बहुत बड़ा योगदान है जो कि ये इनको करने में मदद करता। अगर ये नहीं होगा तो हमारा फिलूट जनरेट नहीं होगा। तो बेटा ये अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि इसमें क्या टॉपिक्स है जो आपकी समझ में नहीं आया हो, तो मैं आपको और अच्छी तरीके से डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ। ओके ठीक है बेटा, ओके बाय।